आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 2। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फॉर्म अ कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर का होगा तो उसकी जो इमेज की हाइट होगी वो कितनी होगी, ठीक है, वो हमने कैसे निकाला है, वो मैग्निफिकेशन के जरिए निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं। फिलहाल आपको ये पता है कि हमारे पास अगर क्यू निकालना हो तो वो हमारे पास है 1/f = 1/p + 1/q। तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। अगर मुझे क्यू निकालना है तो 1/q उधर ही पड़ा रहेगा, तो 1/q इज इक्वल टू 1/f और -1/p। तो f क्या है मेरे पास 1/16 -1/10.5। आइए इसको हम पुट करते हैं, 1/16 -1/10.5। और इसका जब हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास q की वैल्यू आती है -30.54। देखें 1/q कुछ भी आएगा हमें उससे गर्ज नहीं है, हमने जस्ट उसको 1/q है तो q बनाना है, तो हमें उसका 1 डिवाइड बाय वो आंसर करना पड़ेगा क्योंकि वो आंसर बहुत छोटा था, तो उसको जब मैंने 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास -30.54 आ गया। और इसके बाद दूसरे पार्ट में क्या रहा है कि हाउ हाई इज इट, यानी कि इमेज की हाइट बतानी है। ऑब्जेक्ट हाइट अगर उसने हमें 30 सेंटीमीटर दे देना, हम इसको ना ऑब्जेक्ट हाइट को लेट से ओ कह देते हैं, ओ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और उसने क्या जी इमेज हाइट आपने हमें बतानी है। और इसका फार्मूला है एक मैग्निफिकेशन का, कि जो मैग्निफिकेशन होती है वो इज इक्वल टू आई ओवर ओ होती है, और आई ओवर ओ जो होता है वो क्यू ओवर पी के इक्वल होता है। तो मैं इधर ले सकता हूँ कि आई ओवर ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता नहीं चाहिए कि जो i ओवर o है वो किसके इक्वल होगा, q ओवर p के। अब जैसे हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है o की, q की और p की, और हमारे पास यहाँ से i पता चल जाएगी। तो आए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, i इज इक्वल टू q क्या है मेरे पास, q है मेरे पास 30.54, p है मेरे पास 10.5, और o मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा जो कि है 30। अब मैंने इसके साथ क्यू के साथ माइनस साइन इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो माइनस साइन है ना वो बिहाइंड द मिरर है। अभी जैसे हमें डिस्टेंस चाहिए था, डिस्टेंस के लिए हमने 30.54 यूज कर लिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 30.54 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 916.2, और इसको जब मैं डिवाइड कर लेता हूँ 10.5 से तो मेरे पास इसका आंसर आता है 87.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 87.2 सेंटीमीटर। तो यूं आपने देखा कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ गिवन होगी तो उसके जरिए हम इजीली इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, और अगर हम इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसके अलावा हमें आई ओवर ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी को यूज करते हुए हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर पता होगा तो हम इजीली उसकी जो इमेज की हाइट है वो भी फाइंड कर लेंगे।